और, इस मिलेगा, और आज का मोटिवेशन का टॉपिक है मेमोरी बूस्ट टेक्निक्स देखो ये जो टॉपिक्स मैंने लिए हैं मेमोरी बूस्ट टेक्निक्स ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए ही मैंने ध्यान से सोचते हुए समझते हुए रखा है क्योंकि मैंने आप लोगों का पीटीएम अभी जस्ट बाकी टीचर से पूछा था एक्सपीरियंस कि सर बताइए हमारे स्टूडेंट्स का पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग में स्टूडेंट्स लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा कैसे वो अब तक पढ़ाई किए और क्या उनकी प्रॉब्लम हुई तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे टीचर्स ने मुझे यही बताया कि हमारे बच्चे बहुत सारे गेम खेलते हैं हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं मन नहीं लगता है चीजें याद नहीं होती है तो मेरे को लगा कि अगर यही प्रॉब्लम्स है तो इसका आंसर तो मुझे पता है तो व्हाई नॉट टू इनकॉर्पोरेट दिस इन माय स्लाइड्स एंड लेट देम अंडरस्टैंड बेसिक फिलोसफी ऑफ याइफ ओके जमेगा आप लोगों को ये मेमोरी बूस्ट टेक्निक्स क्या रेडी है इस मेमोरी बूस्ट टेक्निक्स को इस मेंबाउट दिस थिंग्स सो लेटस स्टार्ट लेटस स्टार्ट विद बल्ले बल्ले ओके ओके तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि मेरी क्लास की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए मैं इंग्लिश बोलू हिंदी बोलूं या हिंग्लिश बोलूं वट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ माई क्लास हिंग्लिश ओके तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स मैक्सिमम हैं वो सब विलेज बैकग्राउंड से हैं कुछ स्टूडेंट्स अर्बन बैकग्राउंड से हैं सो so, उन लोगों के लिए देखो मैं जो विलेज बैकग्राउंड से उनके लिए पूरा हिंदी तो नहीं बोल सकता जो अर्बन लैंग्वेज अर्बन बैकग्राउंड से उनके लिए तो पूरा इंग्लिश नहीं बोल सकता तो हम मिलाकर बोलेंगे इंग्लिश बोलेंगे ओके okay. तो ठीक है चलो हम चालू करते हैं तो <clears throat> so go गो study स्टडी अबाउट दिस introduction इंट्रोडक्शन organic ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेमोरी बूस्ट टेक्निक्स देखो सबसे पहले आपका ये जो केमिस्ट्री आप पढ़ाई कर रहे हो ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट होता है ये इतना वास्ट है कि इसको थ्री सेक्शन में डिवाइड किया गया है कौन से कौन से वो थ्री सेक्शन है सबसे पहला आता है इसका फिजिकल केमिस्ट्री जो आप यहां पर आके देख सकते हैं अब तक आपको एक चैप्टर पढ़ने को मिला होगा दैट वॉज मोल कॉन्सेप्ट आप लोगों को राशेघर सर ने यही पढ़ाया था मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था यस yes? ओके okay. अभी देखो इसका जो दूसरा पोर्शन होता है इस केमिस्ट्री का वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देख सकते हैं और तीसरा जो इसका आता है दैट इज नोन एज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो दिस केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शंस वन इज फिजिकल वन इज ऑर्गेनिक एंड वन इज इनऑर्गेनिक अब इन तीनों चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो फिजिकल केमिस्ट्री आपको दिखता है ना यहां पर जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री दिख रहा है दिस फिजिकल केमिस्ट्री इज टोटली मैथमेटिकल सिर्फ और सिर्फ इसमें मैथ रहेगा कॉन्सेप्ट रहेंगे और मैक्सिमम आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो जो जे डबल्यू वाले बच्चे हैं उनको तो बड़ा मजा आएगा कि वाह हम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं और हमको मैथ करने में बड़ा मजा आ रहा है लेकिन उसी दूसरे पैरल रास्ते पे अगर हम देखते हैं नीट और नीट स्टूडेंट्स और एम्स स्टूडेंट्स को देखेंगे तो वो बोलेंगे सर हमको ये पल्ले नहीं पड़ रहा है वो बोलेंगे सर ये फिजिकल केमिस्ट्री तो पूरा ऊपर से जा रहा है इतने सारे इतने सारे सारे मैथमेटिक्स के टर्म्स हमको उनको बायोलॉजी ही में अपना करियर बनाना है तो क्या वो यही समझते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री द टफेस्ट सब्जेक्ट टिल द जितना उन्होंने लिया है नो नो ओके गुड सो देर आर है ना हमारा केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरा हुआ है तो डेफिनेटली हमारे ओपिनियंस में भी एक्सेप्शन आएगा नहीं चलो ठीक है जरा देखेंगे अभी तक तो आपने फिजिकल केमिस्ट्री का मूल कॉन्सेप्ट ही पढ़ा है जब आप आयोनिक इक्विब्रियम केमिकल इक्विब्रियम अरेनियस कॉन्सेप्टेड लोइ एसिड बेस्ट कॉन्सेप्ट ये सब टाइट्रेशन वगैरह जब पढ़ोगे तब तो पता चलेगा कि मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है चलो ठीक है फिजिकल केमिस्ट्री एक तरफ रख दिया पूरा मैथ अभी देखो दूसरा जो केमिस्ट्री है जिसको हम बोलते हैं रट्टा मारने वाला केमिस्ट्री दैट इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा क्या बोलते हैं ब्लेसिंग है, है. क्योंकि उन लोगों को वैसे भी मैथ में थोड़ी सी दिक्कत आती थी और उनको मैथ से टच छूट जाएगा अभी तो जैसे अभी तो सिर्फ एक ही महीना हुआ है है ना आपका कोर्स चालू हुए लेकिन जैसे जैसे आपके महीने आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका मैथ से जो टच है वो छूटता चला जाएगा और तब आपको थोड़ा डिफिकल्टी आने लगेगा देन यू विल फील कि कुछ रट्टा मारने के लिए मिल जाए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा और दूसरा चीज है कि जो डॉक्टर स्टडी में जाना चाहते हैं उन लोगों का जो लर्निंग सेल्स होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होना चाहिए देखो दो तरह के स्टूडेंट कैटेगरी है हमारे यहाँ पर एक है जे जिनका कॉम्प्यूटेशनल एनालिसिस फास्ट होना चाहिए और दूसरी तरफ है नीट के स्टूडेंट्स जिनका मेमोरी या फिर मेमोराइजेशन स्किल ज्यादा होना चाहिए तो ये दोनों अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं तो कॉम्प्यूटेशनल स्किल्स जिनके पास अच्छे हैं वो इस फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं और जिनका मेमोराइजेशन स्किल अच्छा है तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं अब कुछ ऐसे भी तो बच्चे होंगे तो वो सोचते होंगे कि सर हमारा तो अच्छा स्किल भी अच्छा नहीं है तो क्या हम लोगों को ऐसे ही बाहर रहना पड़ेगा रास्ते में हमको छाता लेकर खड़ा होके ऐसे ही चलना पड़ेगा विदाउट एनी बुक्स विदाउट एनी केयर क्या हमारा ऐसा ही हाल होगा तो नहीं ऐसा हाल नहीं होगा आप लोगों के लिए भी एक भगवान ने अलग सा फील्ड बनाकर रखा है एंड दैट इज द मोस्ट वास्ट फील्ड दिस इज नोन एज ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री तो क्या है इट इज फील्डेनिक कॉम्बो कॉम्बो ऑफ मैथमेटिकल प्लस बोल सकते हैं मेमोराइजेशन तो कॉम्पिटेशन एनालिसिस प्लस आपका रह जाएगा मेमोराइजेशन स्किल दोनों का 50 50 परसेंट मिलाकर कर देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा रट्टा भी नहीं मारना है और ना ही इसमें ज्यादा क्या बोलते हैं बहुत ही ज्यादा आपको सिर्फ लॉजिक ही लगाओ लॉजिक ही लगाओ लॉजिक लॉजिक लगाओ लौजिक लगाओ कैलकुलेशन करो वैसा भी नहीं है यू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सर क्या इनऑर्गेनिक में मैथमेटिक्स होता है या नहीं जी नहीं होता नहीं है इनऑर्गेनिक में दूर दूर तक मैथमेटिक्स नहीं होता है हाँ ये अलग बात है कि जब आप पीएचडी करने के लिए जाओगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो डेफिनेटली थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे वेट लेना पड़ेगा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे वहां पर आता है बट अभी हमारे क्लास इलेवन करियर के में तो नहीं आता है ओके okay. ठीक है तो आगे बढ़े चलो तो ये देखो सबसे पहला हमारा तो यही मन में क्वेश्चन आता है क्या सर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है वट इज दिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है क्या है डेफिनेशन देखो इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आपका केमिस्ट्री सोच सकते हो एक बड़ा सा बड़ा सा ट्री है और उस ट्री में बहुत सारे ब्रांचेस हैं तीन ही ब्रांचेस हैं एक है फिजिकल एक है आपका इनऑर्गेनिक और एक है ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक इज वन ऑफ दी ब्रांच है ना ये वो टहनी है और उसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा उसमें आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया जाएगा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा रिएक्शंस के बारे में पढ़ाया जाएगा तो आप बोलोगे सर वही तो करते आते हैं केमिस्ट्री में जी नहीं इसमें आप सिर्फ हर किसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे यहां पर सिर्फ और सिर्फ सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस जाएगा कार्बन के ऊपर तो कार्बन आपका मेन फोकस में रहेगा ये आपका सबसे चट्टा बट्टा प्यारा बच्चा रहेगा तो और इसी को आप बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर आपको पूछा जाए कोई भी टीचर अगर आपको पूछे कि बताओ इन ऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है तो आप सीधा सीधा बोलना सर कार्बन होता है कार्बन के लेके उसका नाम क्या है उसके पिता का नाम क्या है उसकी माँ का नाम क्या है उसकी बहन का नाम क्या है वो किधर काम करता है क्या करता है कब खाता है सारी पढ़ाई को बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकिन कौन किसको फोकस करके जरा बताओ कार्बन हाँ अभी देखो यशराज का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है सर कार्बन ही क्यों वाई कार्बन है ना वाई आई एम नॉट तो ऐसा मन में आपको क्वेश्चन आ सकता है तो ये ही हम सीखेंगे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि आखिर कार्बन ऐसा क्यों होता है ठीक है तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए आज तो मेरा इंट्रोडक्शन का क्लास है सो टेक योर ब्रीथ पॉज योर ब्रीथ एंड वी विल वेट फॉर सम टाइम ओके तो इसके बाद आगे चलते हैं तो देखो ये इन ऑर्गेनिक ये सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप टू पार्ट्स में पढ़ाई करने वाले हैं टू फोल्ड्स में पढ़ाई करेंगे कौन सा एक आएगा क्लास इलेवेंथ का और दूसरा आएगा आपका क्लास ट्वेल्व का तो क्लास इलेवेंथ में हम पढ़ेंगे सिलेबस सिलेबस आपके ऑल और, ओवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और क्लास 12 में हम पढ़ेंगे 60 सिलावस. लेकिन अभी आप सोच रहे सर क्लास इलेवन में तो फोर्टी परसेंट पढ़ना है तो बहुत ही आसान है लाइट ले लेंगे और हमको पढ़ने की जरूरत नहीं क्लास ट्वेल्व में हम फोकस करेंगे वैसे भी क्लास ट्वेल्व तो बोर्ड वाला क्लास होता है क्लास इलेवन में तो बस मजे मजे करने हैं तो जी नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है देखो कभी भी अगर आपने देखा है घर बनते हुए तो घर बनने से पहले क्या बनाते हैं बताओ सबसे पहले अगर आपको घर बनाना हो और घर बनाने से पहले आपको कुछ एक बनाना पड़ता है क्या बनाना पड़ता है वेरी गुड फाउंडेशन एक्सलेंट या फिर बेस बनाना पड़ता है कौन बोल रहे हैं ये दीपांशु दीपांशु साहु ने एकदम करेक्ट बोला है मिलिंद ने करेक्ट बोला है और पार्थ ने भी करेक्ट है पार्थ ने क्या बोला है अच्छा गड्ढा हाँ गड्ढा तो बनाना ही पड़ेगा बट गड्ढे के अंदर हम क्या करते हैं उसका फाउंडेशन बनाते हैं तो उसी तरीके से ये जो क्लास ट्वेल्व है ये आपका दूसरा माला है तीसरा माला है चौथा माला है पांचवा माला है छठा माला है तो ऐसे आपकी की बिल्डिंग जो है वो क्लास ट्वेल्व में बनती है लेकिन जो बेस बनता है जिस ग्राउंड फ्लोर में आप रहते हो वो है आपका क्लास इलेवन तो अभी आपका कॉमन सेंस तो यही समझाता है कि अगर फाउंडेशन नहीं है अगर क्लास इलेवेंथ का फोर्टी परसेंट हमको अगर अच्छे से नहीं आता है तो हम क्लास ट्वेल्व का भला स्काई का बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं जिन स्टूडेंट्स को नोम करना नहीं आता जीओसी के टॉपिक्स पता नहीं आइसोमेरिज्म नहीं पता तो वो एकदम लड़खड़ा जाते हैं और वो क्लास ट्वेल्व में जो रिएक्शन जिनको सिंपली समझ के आ जाता है उनको वो क्या करते है? हैं रट्टा मारने बैठ जाते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि सर ये तो बहुत ही टफ है इतना याद करना पड़ता है और पूरा रोने लगते हैं रोने जैसा मुंह बना देते हैं फिर मैं क्या करता हूँ फिर उनको कैडबरी सेलिब्रेशन देता हूँ और बोलता हूँ कि देखो अभी तुमने तो क्लास इलेवन में पढ़ाई की नहीं तो जब पहले पढ़ाई नहीं की और अब तो पढ़ाई हो भी नहीं सकती तो क्या करो बस कैडबरी खाओ और खुश रहो है ना तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो तो क्लास इलेवन को बहुत ही सीरियसली पढ़िएगा क्लास इलेवन के टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके टॉपिक्स हमको क्लास ट्वेल्व के टॉपिक से जोड़ के रखेगा ओके सर क्लास इलेवेंथ का भूल नहीं जाएंगे क्लास ट्वेल्व में अच्छा सर क्लास तभी तो मैं मेमोरी बूस्ट टेक्निक बता रहा हूं ना मेमोरी बूस्ट टेक्निक इसलिए तो मैंने डाली है ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे हम ज्यादा लंबे टाइम तक चीजों को याद रख सके ठीक है यशराज आगे बढ़े आगे बढ़े ओके अस गो फर्दर तो देखो अभी क्या आया है क्लास 11 के कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं है ना पहले मुंह दिखाई करा लेते हैं आखिर जो नया नवीली दुल्हन से हम मिलने के लिए जा रहे हैं तो पहले मुंह दिखाई होती है ना तो मुंह दिखाई कराते हैं तो ये देखो क्लास इलेवेंथ में आपके जो चैप्टर्स हैं तो ये चैप्टर्स हम एनसीआरटी को रेफर करके लेते हैं और एनसीआर का पार्ट टू ठीक है तो टी का पार्ट टू आप अपने मोबाइल में टैब में डाउनलोड कर लीजिए और जिनके पास किताबें हैं तो किताबें भी परचेस कर सकते हैं बुक के साथ गुजारेंगे तो उसमें कुछ भी नुकसान नहीं है तो एनसीआर में से मैंने ये चैप्टर्स निकाले हैं दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ये आपका पहला चैप्टर रहेगा और इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है तो उसका नाम कैसे करते हैं और उसके बाद रिएक्शन के बेसिक्स क्या है तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर पढ़ाई जाएंगी उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर आता है क्लास इलेवेंथ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दैट इज नोन एज द हाइड्रोकार्बन इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन बोलते हैं और हाइड्रोकार्बन ऑलरेडी क्लास टेंथ के जो स्टूडेंट्स हैं आपको याद आ रहा है दसवीं के बच्चों जो <coughs> टेंथ स्टूडेंट जो इन्होंने टेंथ क्लास पास किया है वो भी बिना पैसे देकर तो वो बता सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है तो लो जरा मैं आपका ही वाइवा ले, ले लेता हूं बताओ हाइड्रोकार्बन क्या होता है कौन बताएगा सी जिन्होंने पैसे देकर बोर्ड पास नहीं किया है तो वो बता पाएंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है कोरोना से क्या बोलते हैं किसी का भला हो या ना हो है ना किसी का अच्छा हो या ना हो लेकिन आप लोगों का मेमोरीज क्या बोलते हैं टाइपिंग स्पीड जरूर फास्ट हो गया है क्योंकि हर चीज तो ऑनलाइन करनी पड़ती है तो टाइपिंग भी डेफिनेटली स्पीड कर लिया होगा आपने इसलिए आप सब अपनी टाइपिंग स्पीड कर लीजिएगा अच्छा हाइड्रोजन प्लस कार्बन सर हाइड्रोकार्बन आर हाइड्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड्स वेरी गुड इसका नाम क्या है मृदुला मृदुला परमार ने एकदम सही बोला है श्रवणी ने कहा है सर हाइड्रोजन प्लस कार्बन वेरी गुड अच्छा हाइड्रोजन प्लस कार्बन कंपाउंड वेरी गुड वेरी गुड तो आप लोग एकदम मेरे को समझ में आ गया आप लोग पैसे देकर पास नहीं हुए हो आप लोगों ने बहुत मेहनत की है पसीना निकाला है और आपने राइटोमीटर से पूरा पेपर लिखा है तब जाके आप पास हुए तो ये हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन का से जो बना होगा वो क्या है कहलाएगा आपका हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन में आपको तीन बेसिक

कितने सारे मोरल बुक्स में लिखा रहता है कि दिस अर्थ इज आवर मदर सो मदर की भी प्रोटेक्शन एक सन को करनी ही चाहिए डॉटर को करनी ही चाहिए तो इसलिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी आपके बेनिफिट के लिए रखा गया है देखो ये केमिस्ट्री जो है बड़ा आसान चीज है तो केमिस्ट्री एक्चुअली किन को आएगा देखो केमिस्ट्री उन्हीं को आ सकता है अच्छे से जो पीस लविंग है जिनको क्या बोलते हैं नेचर में बहुत अच्छा लगता है चीजों को देखना और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं नेचर को उनको केमिस्ट्री बहुत पसंद आएगी है ना क्योंकि आप देख लो फिजिक्स में और फिजिक्स में देखो क्या होता है तो फिजिक्स में आपके इक्वेशंस होते हैं एनालिसिस होता है ऑब्जर्वेशन होता है और काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आप नेचर के साथ बहुत ज्यादा ये करते हो आ, क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर नेचर को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं बट इन केमिस्ट्री देर इज देर इज नथिंग नोन एज इन्वायरमेंटल फिजिक्स देर इज ऑलवेज नोन एज द इनवायरमेंटल केमिस्ट्री ठीक है यस ठीक है तो चलते हैं आगे तो ये तो हो गया आपके क्लास इलेवेंथ इसमें तीन टॉपिक्स हैं अब फिर हम देखते हैं क्लास ट्वेल्व के क्या क्या टॉपिक्स हैं तो क्लास ट्वेल्व में एक आएगा आपका हेलो हेलो एल्केन एंड ये बस जान लो सुन लो सुन ठीक है उसके बाद फिर आएगा आपका एल्कोल फिनोल इन ईथर देन आएगा कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड देन कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन देन इसके बाद आएगा बायोमोलिक्यूल इसके बाद आएगा आपका पॉलीमर एंड देन इसके बाद आएगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो ये देखो कितने चैप्टर हो गए एक दो चार पाँच छ सात सात हुए एक दो तीन चार पाँच छह सात यस yes. तो सात चैप्टर और क्लास में हमने कितने चैप्टर्स पढ़े थे जरा देखो तीन तो तीन चैप्टर चैप्टर तो और सात चैप्टर मिला दो तो क्या बन जाता है व्हाट इज थ्री प्लस सेवन दिस इज टेन तो दस का दम तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दस का दम है और इसको क्या बोलते हैं वेरी गुड इसको दस का दम बोलेंगे इट इज नॉट टेन थोड़ा मजा आना चाहिए ना आप लोग क्या बोलते हैं वो क्लास टेन की जिंदगी मत जियो अभी हर चीज में जान डालो अभी दस मत बोलो क्या बोलो दस का दम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस दस का दम और ये दस का दम हम पढ़ेंगे अपने इस क्लास इलेवन और ट्वेल्व की जर्नी में और इसका दम हमारे जीवन में भी काफी दम देगा ओके गुड अरे आप लोग थोड़ा ये बनो क्या बोलते हैं जान डालना सीखो हर चीज में ठीक है तो ये हो गया क्लास इलेवन और ये हो गया क्लास ट्वेल्व के टॉपिक्स अब देखो लास्ट में क्वेश्चन आता है कि सर ये तो आपने मेरे को बता दिया कि इसमें दस टॉपिक्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए मेमोराइजेशन है प्लस आपके लिए लॉजिकल भी है तो आखिर में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दिस इजी और डिफिकल्ट अब तो क्वेश्चन यही है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यही क्वेश्चन आ चुका होगा कि सर आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है या डिफिकल्ट है सर प्लीज जरा बताइए तो कितने लोगों को ये क्वेश्चन मन में आया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स जस्ट आइदर दे कैन डू दिस अप है ना और हमको एकलव्य नहीं बनना है ये उंगली नहीं काटनी है इसको अप के लिए यूज करना है और बताना है कि यस yes. तो आर्या ने कहा सर डिपेंड करता है सर अगर पढ़ाई है के तो इजी है सर आसान है डिफिकल्ट है रिलेटिव है ना ओके वेरी इंटरेस्टिंग आप लोग सच में इंटेलिजेंट आंसर्स दे रहे हैं ओके okay, तो चलो देखो मैं तो क्या बोलते हैं एक टीचर हूं तो टीचर होने के नाते मुझे स्टूडेंट्स के दोनों पहलुओं को टच करना पड़ेगा मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट स्टूडेंट्स जो बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं और आसान है तो क्यों आसान है तो मेरे को तो दोनों चीजें बतानी पड़ेगी आखिर टीचर का तो वही रोल है है ना ओके okay, तो और आप लोगों को इंस्पिरेशन देना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है एक्चुअली सो लेटस्ट सी सो so, सबसे पहले हम देखते हैं पहले हम बोलते हैं ना कि देखो आपके लिए एक गुड न्यूज है एक बैड न्यूज है तो सबसे पहले आप क्या सुनना पसंद करते हैं आप गुड न्यूज सुनना पसंद करते हैं बैड न्यूज सुनना पसंद करते हैं वट डू यू लाइक टू हियर गुड न्यूज और बैड न्यूज आपके सामने कोई आता है और बोलता है कि देख दिल्ली मैंने दो न्यूज लेके आया है एक बैड न्यूज है बैड न्यूज अच्छा गुड दीपांशु ने कहा सर बैड न्यूज अचर ने कहा सर गुड न्यूज ओके ने कहा बैड न्यूज सो सी देर आर सो मेनी तरीके से हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गेनिक को मुश्किल लगती है तो ये चीज आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हैं है ना और उन्हीं के एक्सपीरियंसेस को लेकर मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को भी लेकर यहाँ पर कुछ पॉइंट डाले हैं इससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं बट कुछ बेसिक पॉइंट डाले देखो सबसे पहला सबसे पहला है कि बहुत कुछ याद करना पड़ता है इसमें बहुत कुछ याद करना है बहुत कुछ क्योंकि अभी जैसे अगर कोई ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है मेडिकल लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है कितने सारे दवाइयों के नाम होते हैं और इवन हम जब दवाई परचेस करने के लिए जाते हैं तो कितने सारे कॉम्पोनेंट्स कॉम्पोजिशन लिखे रहते हैं तो ये सब इतना सब याद करना पड़ता है बहुत कुछ याद करना पड़ता है ओके दूसरा सर इसमें बहुत सारे रिएक्शन है पता है आपको कितने रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास थ में आपको ज्यादा रिएक्शन नहीं मिलेंगे बस सौ रिएक्शन मिल गए बस उतना ही है लेकिन क्लास ट्वेल्व में आपको तो अराउंड दो सौ ढाई सौ तक रिएक्शन मिलते हैं सो इन टोटल देयर आर टू हंड्रेड फिफ्टी प्लस हंड्रेड अगर आप मिला दो तो थ्री हंड्रेड फिफ्टी है ना टोटल थ्री हंड्रेड फिफ्टी रिएक्शन है तो तो, तो सा बहुत सारे रिएक्शन होते हैं सर उसको याद करना पड़ता है कैसे करें और इसलिए बहुत डिफिकल्ट जाता है तो ठीक है तो मुझे समझ में आ गया आप लोगों का जो मुंह है मुंह पूरा उतर चुका है ठीक है कोई बात नहीं है ना डोंट अफियर वेन ठीक है आगे देखेंगे आगे देखेंगे अभी भी अभी अभी भी भी दुखी मत होइए हमारे पास दूसरा वाला बाकी है कि आसान क्यों है तो जरा इसको देखिएगा बहुत सारे रिएक्शन होते हैं अच्छा ठीक है तीसरा तो तीसरा है कि सर पेपर में जो जेडबल मीन के पेपर में या फिर नीट के पेपर में सर मिक्सड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं अलग से बता बता तो पेपर में क्वेश्चन आते हैं अभी देखो, मतलब हम क्या सोचते हैं मैथ्स में, में क्या होता है कि इवन फिजिकल केमिस्ट्री में भी क्या होता है कि एक चैप्टर उठाए और उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए क्लास टेंथ तक भी ऐसा ही होता है क्लास टेंथ तक भी अब तक हमने वही क्या था जो चैप्टर है ना हु तो वही आपको क्वेश्चन आता है हु इज बाबा ब्लैक मैम ने आपको जो क्लास में क्वेश्चन कराए और वही क्वेश्चन आपको आएगा बाबा ब्लैकशिप कौन है लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होता है जे डबल और नीट के एग्जाम में आपका स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर ऐसा नहीं होता है आपने एक बार दस चैप्टर पढ़ लिए और दस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आएंगे पूरा मिलाकर आएंगे मतलब दो तीन चैप्टर उठाए और दो तीन चैप्टर से फ्रेम करके क्वेश्चन डाला जाता है तो स्टूडेंट्स लोग तो पूरे पागल हो जाते हैं ऐसा कैसे हम कौन सा रिएक्शन कैसे याद रखें कुछ समझ में नहीं आ रहा सर में सब बताऊंगा सब बताऊंगा सब बताऊंगा धीरे धीरे थोड़ा पेशेंस रखिए है, है ना हम आ, आराम आराम से चलेंगे सर सर लर्निंग सब है क्या ये आर्या मैं सब बताता मैं सब बताऊंगा आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए बट अभी जस्ट देखिए कि क्या क्या पॉइंट्स पे आपको डिफिकल्टी फेस होगी इन फ्यूचर अभी चौथा चीज चौथा चीज ये है कि एक बार हमने जो टॉपिक को पढ़ा वो बार-बार रिवीजन करना पड़ता है क्यों ऐसा होता है तो आप बोलोगे तो बार बार याद करना पड़ता है लेकिन मेरे मित्रों इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक नया लैंग्वेज सीखने जैसा है जैसे हम कोई जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं स्पेनिश लैंग्वेज सीखते हैं फ्रेंच लैंग्वेज सीखते हैं तो काफी नए नए टर्मिनोलॉजीज आते हैं तो वो पूरा याद क्या पहली बार तो टिकता नहीं है दिमाग में समझ में आता है बट टिकता नहीं है वो फ्लूड है पानी जैसे बह जाता है फिर 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 नेक्स्ट टाइम से उठाओ उठाओ इकट्ठा करो इस बर्तन के अंदर फिर, फिर आपका बह फिर बह जाएगा फिर उठाओ, फिर डालो, फिर जाएगा डालो ऐसे आपको बार 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 करना पड़ेगा तब जाके वो सॉलिडिफाई हो जाए ओके ठीक है तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या क्यों मुश्किल है तो अभी क्या चाहिए बैड न्यूज तो आपने सुन ली अभी क्या सुनना है बताओ <coughs> अभी आपको क्या सुनना है गुड न्यूज है ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर आसान क्यों है इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो इजी लेट अस सी व्हाट आर द पॉइंट्स कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों आसान लगता है तो देखो सबसे पहला चीज नो मैथमेटिक्स एट ऑल है ना अब आपको मैं माथा पकड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कुछ भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है डायरेक्टली आप क्या बोलते हैं सीधा फटाफट 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 -फट, फटा ये आता है मतलब हो जाएगा आता है मतलब हो जाएगा तो देर इज नो मैथमेटिक्स एट ऑल तो जो नीट स्टूडेंट्स है उनके लिए तो बल्ले बल्ले है जे वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बल्ले बल्ले है क्यों कैसे जेडब्ल्यू वाले स्टूडेंट्स के लिए बल्ले हैं जरा बताओ हाउ फॉर जेडब्ल्यू स्टूडेंट्स दिस इज वेरी प्लस पॉइंट कैसे उनके लिए प्लस पॉइंट है टाइम सेविंग यस वेरी गुड थ्योरी है थ्योरी नहीं है सर टाइम इन पेपर वेरी गुड यस देखो अभी देखो जो दे डेडबल दे रहे हैं उनको क्या है मैथमेटिक्स का सेक्शन करना पड़ेगा उसमें तो फुल्ली मैथियो क्या होते हैं कैलकुलेशन uh, वाले क्वेश्चन है फिजिक्स में भी जाओगे तो सब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है फिर आप केमिस्ट्री में जब उतरते हो तो केमिस्ट्री में उतरने के बाद फिजिकल वाला पार्ट तो जहां जाएगा आपका थोड़ा ये न्यूमेरिकल बट उसके बाद जो आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मिलेगा वो एटलीस्ट आपके लिए क्या बोलते हैं राहत वाला टाइम रहेगा उसमें आप एटलीस्ट शांति से बैठ सकते हो दिमाग का थोड़ा ठंडा कर सकते हो पानी पी सकते हो थोड़ा इधर उधर देख भी सकते हो हवा को पंखा भी घुमा सकते हो तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा क्या है लाइफ सेवर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइफ सेवर ठीक है तो चलो दूसरा पॉइंट सर बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है देखो आसान इसलिए कि इसमें आपको ऐसे कुछ ज्यादा याद नहीं करना पड़ता है ऐसे मैं यहां पर स्टूडेंट्स नॉर्मली बोलते हैं कि सर मेमोराइजेशन वाला है नहीं नहीं मेमोराइजेशन नहीं है इसमें क्या है समझना पड़ता है समझो बस हो गया समझो हो गया समझो हो गया दैट इज द इसलिए आसान है ओके okay. तीसरा चीज तीसरा और सबसे प्लस पॉइंट वाला चीज तीसरा और सबसे प्लस पॉइंट वाला चीज सर प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहां पर आपका क्या बोलते हैं मुंह में लड्डू फूट जाने चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है क्यों क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कभी भी आपको नेक्स्ट पेपर में ट्वेंटी 21 का पेपर तो, तो ट्वेंटी वन का पेपर देखोगे 21 20 के क्वेश्चंस के रिलेटेड ही कुछ बनेगा तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज है कि कभी भी आप लोगों को कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा एक बार अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए है ना 10 साल के तो उससे भी आपके आराम से 70 टू 80 परसेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स आ जाएंगे ठीक है अभी अच्छा लगा अच्छा लगा राहत की सांस आप ले पा रहे हैं ओके यशराज सर आपके नोट्स मिलेंगे क्या अरे रुको बाबा पहले तो पढ़ाना तो चालू करो पहले तो है ना आज तो पहला क्लास है सब सब मिलेगा सब धीरे धीरे हम देखेंगे ओके अच्छा एक और एक, एक और एक चीज भी है एक और एक, एक और एक और एक भी प्लस पॉइंट है ये आसान क्यों है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आने का मतलब है कि सर जो क्लास में पढ़ाएंगे सर जिन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे जो हम मेटेरियल में सॉल्व करेंगे डीपीपीज में सॉल्व करेंगे एज इट इज वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में नजर आते हैं एज इट इज तो फिर अब बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है या डिफिकल्ट अब आप लोग मुझे बताओ इज डिफिकल्ट और इजी सर गुड है, है nice, easy, बले जी ना गुड है नाइस इजी बल्ले जी बल्ले मीडियम भावेश ने बोला है मीडियम ओमकार राधिका न्यूट्रल अच्छा प्लस और माइनस कैंसल हो गया तो न्यूट्रल हो गया यशराज ओके हर्षल गुड इजी मीडियम ओके ठीक है तो फिर क्या है देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सी मैं बता दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते टाइम थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं एक पहाड़ पे चढ़ रहा हूं लेकिन एक बार आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दस चैप्टर खत्म हो गए सर के बताए हुए क्वेश्चन कर लिए कुछ एग्जाम्स वगैरह दे दिए तो उसके बाद जैसे हम एक पहाड़ होता है ना पहाड़ थोड़ा लिख भी लेते हैं अब तक तो मैंने लिखा नहीं बिचा नहीं तो ये बोर्ड भी बुरा फील करेगा तो जैसे हम ये देखते हैं ना एक पहाड़ है दिस इज वॉट अब इस हिल पे आप क्या कर रहे हो साइकिलिंग कर रहे हैं सो दिस इज लाइक ए साइकिल और ये आपका साइकिल है और ये साइकिल पे आप चल रहे हो तो जब हम चढ़ते हैं तो चढ़ने वाला जो फेज होता है वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लर्निंग फेज और एक बार आपने लर्न कर लिया है ना तो यहां पर आप जब आपकी साइकिल चली गई तो इसके बाद जब आप क्वेश्चंस करना चालू करते हो कोई भी चैप्टर का ले लो कोई भी चैप्टर का आप क्वेश्चन करना चालू करते हो इट इज लाइक जूम गोइंग डाउन द हिल ठीक है सो so, याद करते टाइम थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन जब क्वेश्चन करते टाइम आपको एकदम ईजी लगेगा क्यों क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन तो पढ़ाए वाले चीज से ही आने वाले हैं ये फिजिक्स जैसा नहीं है जिसमें आपको फॉर्मुलाज वगैरह बता दिया और क्वेश्चंस काफी कॉम्प्लेक्स दे दिया गया सोचना पड़ रहा है आपका एनालिसिस करना पड़ रहा है और उसके बाद जाके आपको क्वेश्चन आंसर बन रहा नहीं यहां पर लर्निंग के टाइम थोड़ी सी डिफिकल्टी लेनी है नो पेन नो गेन एंड देन एक बार पेन ले लिया फिर तो गेन ही गेन ठीक है ओके सो आर यू हैप्पी नाउ अभी थोड़ा अच्छा लगा ओके सो लेट अस गो अहेड ओके 11 बजने को है तो दिस सो डेफिनेटली सो ये एट द एंड एट द एंड हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ मूवी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं जितने भी छात्र यहाँ पर हैं यहाँ पर मुझे 28 पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं तो so जितने भी छात्र एवं छात्राएं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं मैं तो उनसे यही निवेदन करता हूं कि वे हर डे जो क्लास ली जाती है उसमें बैठे क्यों क्योंकि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा कुछ ऐसा है एक मूवी जैसा जब हम देखते हैं कोई फिल्म हम देखते हैं तो फिल्म में क्या होता है कि हम स्टार्टिंग से फिल्म देखेंगे तभी मजा आएगा लेकिन अगर हम बीच में बैठ जाते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता है कि भाई ये जो मुक्का मार रहा है ये हीरो है या विलन है करेक्ट तो अब हमको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से चाहिए तो हमको हर दिन की क्लास में बैठना पड़ेगा कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे

और मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपने कोई एक दिन का भी टॉपिक मिस किया ना तो आने वाले पांच क्लासेस तो आपके ऐसे ही चले जाएंगे तो क्यों क्योंकि आपका वो कॉन्सेप्ट छूट जाएगा वो एक कॉन्सेप्ट छूट गया मतलब आने के वाले पांच क्लासेस गए पांच क्लासेस गए मतलब फिर आने वाले आप बाकी के चैप्टर्स भी गए और बाकी के चैप्टर्स भी गए मतलब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गया पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गया तो फिर फिर आपका फिर गया फिर पेपर ठीक है ओके सो so, अभी देखो यहां पर हर साल एट एंड मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हर साल हर साल एट द एंड आपके जो थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से, तो जो जे डबल स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा हर साल सात से आठ क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे पेपर में और जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कंपलसरी है फिफ्टीन क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आने ही आने हैं ठीक है थीके? तो ये जो चीज है आप लोग से डरने की जरूरत नहीं है इसे इतना डरो मत शांत 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 बैठो शांत 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 बैठो शांद बैठो शांद, इसको शांद करा लो ठीक है आप अपने आराम से करा लेना तो आप लोग आराम से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है आराम से हम ये कर लेंगे पंद्रह क्वेश्चन आते हैं साठ से क्वेश्चन आते हैं वो सब इजीली बन जाएंगे ठीक तो <coughs> है तो अब आप देखो जय के ठीक ठीक है ठीक है तो अभी देखो यहाँ पर आप लोगों को अभी मेरा चालू होता है मेमोरी बूस्ट टेक्निक्स तो अब तक हमने जितना भी इंट्रोडक्शन देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमको यही समझ में आया कि इसमें एक तरह का आपको मेमोरी वाला स्किल चाहिए तो मैंने जितने भी टीचर से पूछा कि हमारे स्टूडेंट्स का क्या सबसे बड़ा लैक हो रहा है आज के इस एज में ऑनलाइन एज में तो वो यही है कि सर मेमोरी स्किल्स उनकी बहुत ज्यादा घट जाती हैं हमने पेरेंट्स से भी काफी सारे पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने यही बोला कि मेरे बच्चे याद तो करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद जल्दी भूल जाते हैं मैंने स्टूडेंट के साथ भी बात की स्टूडेंट्स ने मेरे को मेल भी लिखे ये बताते हुए कि सर हम क्या करें हम चीजें तो पढ़ते हैं क्लास में समझते भी हैं लेकिन जब अप्लाई करने का टाइम आता है तो सर वो मेमोरी पावर एकदम आ, लो हो जाती है तो आप लोगों के साथ क्या ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं अगर आपके साथ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो बताइए मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा अगर नहीं आते तो नहीं हम स्किप कर सकते हैं आते हैं ओके सो तो आप ये टॉपिक सुनना चाहते हैं ये जो मेरा मोटिवेशनल सेशन रहता है मेमोरी बूस्टिंग टेक्निक्स यस ओके तो वेरी गुड तो आप लोग इसको अच्छे से सुनिए अच्छे से इसको समझिए और अपने जीवन में भी लागू कीजिए और दूसरों को भी बताइए कि हमने मेमोरी बूस्ट टेक्निक्स में क्या क्या सीखा ओके okay, तो चलो चालू करते हैं बी रेडी गेट प्रिपेयर अब देखो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मेमोरी पावर किस तरीके से काम करती है क्योंकि देखो अगर हमको अपनी मेमोरी स्किल्स बढ़ानी है मेमोरी को बूस्ट कराना है तो सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि भाई ये जो मेमोरी है वो तो मेमोरी बनती कैसे है घटती कैसे है डिग्रेडेशन कैसे आता है और किस तरीके से रिट्रीवल होता होता है है तो ये ये सब होता कैसे पहले वो जानो उसके बाद आप समझ पाएंगे कि भाई आपका ये कैसा है। जैसे कि आप देखते हो फ्रिज तो फ्रिज खराब हो गया तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि भाई फ्रिज काम कैसे करता है तो काम करना पता चलेगा तो जिस पॉइंट पे आपका खराब हुआ है वहां पर ठीक कर दो तो आपका फ्रिज चलने लग जाएगा यस तो वैसे ही हमको ये समझना पड़ेगा कि मेमोरी कैसे काम करती है तो हम जाके मेमोरी पावर के ऊपर बढ़ने का चीज सोच सकते हैं यस yes. सर एक बार बल्ले जी बल्ले तो बल्ले जी बल्ले क्या करना अभी तो आप लोग क्या बोलते हैं बल्ले जी बल्ले कर लो ठीक है अभी देखो अप्रोच तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा सी यू नो दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ भगवत गीता और मैं हमेशा दो अप्रोचेस के साथ चलता हूं आई एम ए स्टूडेंट ऑफ भगवत गीता प्लस आई एम ए स्टूडेंट ऑफ टूडेज मॉडर्न साइंस तो मैं दो हमेशा दो अप्रोच लेके चलता हूं पहला अप्रोच है है सेंचुरी साइंस क्या बोलता है कि मेमोरी किस तरीके से काम करता है और दूसरा है, है? है? तो देते क्या, क्या हैं और यह दोनों एक्चुअली में कैसे सही हैं यह हमको देखना है तो ठीक है रेडी रेडी टू अंडरस्टैंड दिस ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी साइंस तो सबसे पहले देखो सेंचुरी साइंस साइंस यानी कि मॉडर्न ये बोलता गैदर है करते हैं तो इन्फॉर्मेशन को गैदर तो करने वाले जो सेंसेस होते हैं जैसे आईज नोज ईयर टंग एंड स्किन तो ये क्या करते हैं ये आपको इंफॉर्मेशन देते हैं जैसे कि माँ अगर हलवा बना रही है तो माँ ने हलवा बनाया लेकिन आपने देखा नहीं

और पेट बोलता है फिर पेट बोलता है अब तो मेरे को चाहिए भाई हलवा चाहिए जैसे भी मां ने बहुत मुश्किल से हलवा बनाया कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में तो पाओ फिर इन्फॉर्मेशन देता है ब्रेन को तो ब्रेन जाएगा, जाएगा और पाओ फिर दौड़े दौड़े जाएगा के पास बोलेगा देख उधर क्या एक चिड़िया घूम रही है पता है उस चिड़िया क्या है किसी ने उसको मारा और माँ दौड़े दौड़े जाती हो आप तब तक क्या करते हो हलवा उठा के भाग जाते हो और फिर तुरंत से अंदर दबा के फिर लेके जाते हो किचन के अंदर रख माँ देख के आती है क्या रे बिट्टू बोल रहा है वो चिड़िया का कुछ हो गया नहीं मार ऐसा बोलते ठीक है तो ऐसा ऐसा हमको लगता है तो ये हो गया आपका नोज नोज ने ये ये दे दिया अच्छा ये जो आंखें भी हैं ये आंखें भी बड़ा बड़ा डेंजरस है ये आंखें भी हमको इन्फॉर्मेशन देती हैं तो आंखों से हम देखते हैं कि रंग कैसे होते हैं कौन कैसे चल रहा है तो सामने क्या बोलते हैं कौन सा कार्टून चल रहा है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको कौन देता है आंखें देती हैं कान भी हमको इन्फॉर्मेशन देता है ये लाउड है सॉफ्ट है अच्छा है बुरा है रोमांटिक है थ्रिलिंग है आपका क्या बोलते हैं और कौन से कौन से नॉइज और कौन से कौन से म्यूजिक्स आते हैं बताओ तो और किस टाइप के और किस टाइप के मूवीज आते हैं हॉरर हॉरर वाला मूवी हॉरर वाला क्या रहता है हॉरर वाला म्यूजिक आता है ना म्यूजिक म्यूजिक कॉमेडी करेक्ट कॉमेडी कॉमेडी दिल दहकाने वाला और और क्या है और बताओ थ्रिलर टेरर एक्शन वेरी गुड वेरी गुड तो ये सारे के सारे सॉन्ग्स कौन जब हम सुनते हैं कानों से तो कान एकदम तुरंत पहचान जाते हैं तो जैसे ही हम कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं तो हमारा मन एकदम एक शांत हो जाता है, है एकदम पूरा शांत हो जाता है और शांत होने के बाद फिर तो बस फिर तो हमको ऐसा लगता है जैसे एक समुंदर है समुंदर के अंदर हम डूब चुके हैं और फिर हमने क्या है वो स्विम सूट भी नहीं पहना है डायरेक्ट बस हमारा शरीर पूरा आत्मा अंदर जा चुका है उसके अंदर और फिर क्या बोलते हैं ये समुन्द्र के अंदर बस लहर रहे लहर रहे लहर रहे तो ऐसा होता है यस स yes, तो ये साउंड है थ्रिलर होता है एक्शन होता है हॉरर एक्शन तो ये सब आपके तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो सेंसेस होते हैं हमारी ये जो आंख कान फिर उसके बाद नाक एंड एंड देन टंग और देन ये स्किन तो ये जो सेंसेस होते हैं ये क्या करते हैं क्या करते हैं बताओ पहला पॉइंट ये क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं तो एक बार आपका इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो गया अब इकट्ठा होने के बाद आपका एक्सपीरियंस बनता है है ना सपोज आपको किसी ने क्या बोलते हैं चाय पिलाई तो चाय आपने पी और चाय जैसे आपने लाला की चाय पी लाला की चाय पीते ही और आपने एकदम गर्म थी आपने फेंक दिया मतलब तो थप्पड़ मारा ए क्या बकवास लाला तूने मेरे को कैसी चाय पिला एकदम गर्म हो गया तो गर्म हो गया कैसे पता चला आपके टंग ने पता क्या आपने थप्पड़ मारा वो क्या बन गया कि एक्सपीरियंस बन गया और वो सीधा जाके आपके स्टोर हो जाता है किधर मेमोरी में अब मेमोरी भी दो टाइप्स की होती है एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म तो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या करता है थोड़े टाइम के लिए एक्सपीरियंस इकट्ठा करके रख लेता है लेकिन अगर हमने उसके ऊपर बार बार सोचा नहीं कि अरे मैंने लाला को मारा बेचारा लाला ने इतनी मेहनत की थी उसने तो भले ही मेरे को गर्म चाय पी लिया लेकिन उसका मनोभाव बहुत अच्छा था उसका इंटेंशन तो यही था कि मैं हमेशा क्या बोलते हैं स्वस्थ रहूं थोड़ा फ्रेश फील करूं एक बिचारा वैसे तो दूध नहीं था घर के अंदर वो बेचारा भाग भाग के गया दूध वाले का दुकान भी बंद था फिर वो और भाग भाग के गया और उसके बाद फिर वो एक गाय के पास पहुंचा वो गाय ने उसको लाश भी मारी फिर भी उसने क्या बोलते हैं कहीं से कैसे तो बस उसको बहला फुसला के दूध निकाला दूध निकालने का भाग भाग के आया फिर चीनी कटा क्या चाय पत्ती कटेगी तब जाके उसने सब मिला के मेरे को चाय पिलाई और मैंने थू इस चीज को उतना इतना चीज को उसको ढक दिया और सिर्फ ये गर्म था करके उसको मार दिया तो जब हम सोचेंगे नहीं तो वो सोचेंगे नहीं तो फिर क्या हो जाएगा वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रहेगा और जब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाता है जब हम ज्यादा सोचते नहीं है तो फिर नेक्स्ट टाइम अगर लाला ने फिर ये गलती की तो हम फिर उसको थप्पड़ मारते हैं बोलते हैं क्या लाला थू तो फिर से चाय लेके आया है तो इसलिए अगर हमको शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है तो हमको बार बार उस एक्सपीरियंस को दोहराना पड़ता है और जैसे हम उसको दोहराते हैं दोहराते हैं दोहराते हैं दोहराते दोहराते दोहराते, दोहराते वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है और इस दोहराने के टाइम पीरियड में आप अपने बिहेवियर में काफी सारे चेंजेस ला सकते हैं ये yes. तो इसीलिए आप देखते हो कि हम जब पढ़ाते हैं कोई भी चैप्टर या हम जब पढ़ते हैं कोई भी चैप्टर तो भले ही टीचर हमको लगता है कि हाँ सर ये तो पढ़ा रहे हैं वाह मजा आ रहा है सर ये तो समझ में आ रहा है बस क्वेश्चन बन जा रहे हैं सर और क्या चाहिए बस अब तो मैं बस आसमान में ऊपर उड़ रहा हूँ अब मेरा हो ही जाएगा सर जे डबल यू नीट क्या चीज है मेरे लिए सर बस अब मेरा नाम ही लिखा हुआ है उस सीट पे तो ऐसा हम सोचने लगते हैं तो ऐसा सोचने क्यों लगते हैं क्योंकि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के है इंसान है तो हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में है वो बस उसी टाइम के लिए अच्छा लगता है लेकिन अगर हम उसको याद नहीं करेंगे तो फिर धीरे 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 करके ग्राफ डिक्रीज हो जाता है और फिर फाइनली जब एग्जाम आता है तो एग्जाम में फिर वो याद नहीं आता सर वो पेपर, वो पेपर सीट मेरे लिए थी ठीक है <coughs> तो मॉडर्न साइंस यही कहता है कि देर इज वन शॉर्ट टर्म मेमोरी देर इज वन लॉन्ग टर्म मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक्सपीरियंसेस पहले सेव हो जाते हैं और सेव हो जाने के बाद अगर हमने उसको फिर से एडिट नहीं किया उसको प्रोसेस नहीं किया उसको फिर से दोहराया नहीं तो फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं होंगे और लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर कन्वर्ट नहीं होंगे देन फिर आपको भूल जाते हैं तो ये जो चीज बोलता है ये जो चीज बोलता है ये कौन बोलता है ये ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी साइंस बोलता है लेकिन वैदिक साइंस एंशंट साइंस वो भी कुछ सेम चीज बोलता है लेकिन उसको किसी दूसरे वर्ड्स में बताया गया है तो एंशियंट साइंस आपका क्या बोलता है जरा यहां पर ध्यान से देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है यस एंशियंट साइंस देखो आपका जो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी साइंस है तो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी साइंस सिर्फ यह बता सकता है कि क्यों हो रहा है लेकिन एट दी एंड हमको सोल्यूशन क्या है हम अपनी मेमोरी स्किल को बूस्ट कैसे कर सकते हैं यह वेदिक साइंस बताता है तो वेदिक साइंस यहां पर क्या बताता है देखो ध्यान से पढ़ो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैंने इसको ब्लैक में लिखा है विथ व्हाइट टेक्स्ट देखो क्या लिखा है नो वन कैन गिव रैप्ड अटेंशन हु इज नॉट प्योर इन माइंड नो वन कैन बी प्योर इन माइंड हु इज नॉट प्योर इन एक्शन ये चीज आपका लिखा गया है अगर आप अपनी मेमोरीज को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको वो चीज बहुत ही ध्यान से सुननी पड़ती है जितना ज्यादा आपका फोकस अटेंशन आपका कंसंट्रेशन रहता है किसी एक सब्जेक्ट मैटर को समझते टाइम किसी एक मूवी को देखते टाइम देखो सी हमारा मेमोरी कम नहीं है हमारा अटेंशन कम है हमको पहले ये समझना पड़ेगा हमारा मेमोरी कम नहीं है हमारा अटेंशन कम है कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं देखो भाई हम फिल्म देखते हैं हम फिल्म में गाने भी सुनते हैं कभी कभी नाना पाटेकर जब हे, 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 हे ऐ, ऐ, ऐसे करके क्या बोलते हैं डायलॉग मारता है वो भी याद रह जाते हैं ठीक है तो वो तो याद रह जाते हैं हमको तो रटना नहीं पड़ता हम तो ऐसे रट्टा मारने नहीं बैठते देखो नाना पाटेकर ने नाना पाटेकर ने कहा ए तू क्या बोलता है रे, तेरे को कान पट्टी पे बजाऊ क्या ऐसा तो याद करना नहीं पड़ता है वो तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है, है ना और फिर कितने सारे गाने होते हैं तो गाने भी हमको याद नहीं करने पड़ते कभी हमने ऐसा रट्टा हमारा है कि क्या बोलते हैं क्योंकि तुम ही हो ऐसे याद करना पड़ता है क्योंकि तुम ही हो क्योंकि तुम ही हो क्योंकि तुम ही हो मेरी आस भी मेरी रूप भी मेरा ये भी मेरा वो भी सिर दर्द भी सब है तो ऐसे कभी <clears throat> ऐसे कभी हमने कभी गानों को याद क्या है मेरे को बताओ ऐसा कभी हमने गानों को याद क्या है कि पूरा लेके बैठे हैं और ऐसा ऐसा याद कर रहे हैं ओ माई गॉड नेवर बिल्कुल नहीं है ना करेक्ट तो इसका मतलब क्या हुआ हमारी मेमोरी अच्छी है हमारी मेमोरी शार्प है लेकिन हम वो जो फिल्म आती है वो फिल्म इतना ज्यादा बढ़िया तरीके से दिखाई जाती है कि हम हमारा अटेंशन ड्रॉ कर लेता है करेक्ट और हम उसको बड़े अटेंटिवली सुनते हैं है ना और जैसे हमने उसको अटेंटिवली सुना तो अटेंटिवनेस से आपकी मेमोरी ऑटोमेटिकली वो अच्छे से डेवलप हो जाती है ठीक है समझ में आया ना मैं क्या बोलना चाहता हूं मैं यही बोलना चाहता हूं कि आपका जब कभी भी अट्रैक्शन आएगा अट्रैक्शन से अटेंशन आता है और अटेंशन से आपका अटेंशन से आप कुछ भी याद करोगे तो वो हमेशा आपका शार्पर मेमोरी में चला जाता है समझ में आया ये समझ में आ गया ना पहला पॉइंट हमने क्या सीखा हमने यही सीखा कि सर हमारी मेमोरी कम नहीं है हमारी मेमोरी को अट्रैक्शन Attraction अट्रैक्शन चाहिए, से से अटेंशन अटेंशन डेवलप होगा, कोई भी चीज अगर हम सुनते हैं पढ़ते हैं या फिर याद करते हैं, वो में हम तो ये समझ गए कि मूवीज के गाने तो चलो अट्रैक्शन से बनाए जाते हैं इतने सारे उसके ऊपर पैसे खर्चे किए जाते हैं तब जाके वो अट्रैक्शन में बनता है लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है कि सर मूवीज तो चलो एक साइड चीज है लेकिन पढ़ाई में भला कैसे अट्रैक्शन लेके जाए यहाँ पर तो टीचर्स लोग काफी मेहनत करते हैं बनाते हैं वीडियोज दिखाते हैं इवन आप देखोगे कई सारे ऐसे भी अकेडमी हैं जो पूरा पूरा होलोग्राम टेक्निक से भी वीडियो दिखाते हैं लेकिन अगर होलोग्राम टेक्निक से भी वीडियो अगर दिखाए जाने पर भी अः क्या बोलते हैं चीजें अगर याद हो जाती तो फिर तो आजकल उन एकेडमी से हर कोई बच्चा आई निकलता या फिर एम एम्स में निकलता नीट में निकलता तो फिर ये क्वेश्चन तो आना चाहिए आप लोगों को कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि मैं सर जो बोल रहा हूं वो लॉजिकल भी है और मैथ रिलेवेंट भी हो पा रही है वेरी गुड वेरी गुड तो मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग समझ गए ठीक है तो अब ये क्वेश्चन तो आता है कि अगर चीजें अगर इत, अगर पढ़ाई की चीजों को इतना दिखाया जा रहा है उसमें सिनेमा जैसी चीजें दिखाई जा रही हैं तो हमको तो याद हो जानी चाहिए फिर भी अब तक तो हम डेढ़ महीने से कोर्स कर रहे हैं सर याद हो ही नहीं रही है अब तो क्वेश्चन यही आ गया कई सारी ऐसी हैं जो दो साल से चल रही हैं वीडियोस दिखा दिखा के दिखा दिखा के दिखा दिखा के बस बनते ही जा रहे हैं फिर भी चीजें याद नहीं हो रही सर इसका मतलब सर कहीं दूसरी जगह पर गड़बड़ है जो हमको अभी तक बताया नहीं जा रहा है है ना दूसरी जगह पर गड़बड़ है जहां जो चीज हमको बताई नहीं जा रही है और वो चीज जो ट्वेंटी फर्स्ट मॉडर्न साइंस नहीं बोलता है वो वेदिक साइंस बोलता है वेदिक साइंस बोलता है यहां पर मैं आपको रूल बताने के लिए जा रहा हूं मैं आपको यहां पर रूल बताने के लिए जा रहा हूं कि अटेंशन अटेंशन लाने का अटेंशन लाने का सीक्रेट अटेंशन लाने का सीक्रेट क्या है तो अटेंशन लाने का सीक्रेट यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपको अटेंशन चाहिए रैप्ट अटेंशन चाहिए रैप अगर आपको रैप्ट अटेंशन चाहिए तो आपको माइंड में क्या होना पड़ेगा प्योर होना पड़ेगा चाहे आपको उसके लिए वीडियोस दिखाई जाएं या नहीं दिखाई जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन अगर आपका माइंड प्योर रहेगा तो ऑटोमेटिकली रैप अटेंशन डेवलप हो जाता है यह चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैप्ट अटेंशन का मतलब क्या होता है रैप्ट अटेंशन का मतलब होता है कि सपोज आपने टीवी खोला और टीवी में आप देख रहे हैं आ, क्या देख रहे हैं टीवी में आप देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने में आप इतने ज्यादा एब्जॉर्ब हो चुके हैं कि अब आपके और टीवी के बीच में कोई आ रहा है जा रहा है मां बुला रही है पापा बुला रहे हैं भाई बुला रहे है बहन बुला रही है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उसको बोलते हैं रैप्ट अटेंशन जिस अटेंशन से आप जिस अटेंशन आप एब्सॉर्ब हो गए हो उसी को हम बोलते हैं रैप्ट अटेंशन हाँ समझ में आ गया ना अटेंशन क्या होता है अगर आपको वैसा अटेंशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा माइंड में प्योर होना पड़ेगा अब क्वेश्चन आता है कि सर ये माइंड में प्योर होने का मतलब क्या है और ये कैसे बना जाए देखो माइंड में हम क्या माइंड में सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा यस yes. तो अभी देखो अभी मैं बताता हूँ माइंड में नहीं 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 जिसको जी जान से करा जाए वो प्योर माइंड नहीं होता है देखो मैं बताता हूँ प्योर माइंड क्या होता है प्योर माइंड को आप ऐसे समझो कि जैसे कि आपका एक कमरा है कमरा करेक्ट आपके पास क्या है कमरा है और वो कमरे में आपने एक पेंटिंग की है व्हाइट कलर की पेंटिंग की है जैसे कि हम देखते हैं ना नया नया घर बनता है तो व्हाइट वॉशिंग कराई जाती है तो वैसे व्हाइट वॉशिंग कराई गई है तो व्हाइट वॉशिंग कराने के बाद आप जैसे जैसी उस घर में ऐसा हुआ है कभी आप कभी ना कभी तो आप अपने लाइफ में व्हाइट वॉश्ड रूम में गए होंगे ऐसा हुआ है हाँ करेक्ट तो अभी आप देखो क्या वहां पर उस वाइट वॉश्ड रूम में कुछ सामान रखा रहता है नया नया नवेला घर कुछ सामान रखा रहता है नहीं कुछ सामान रखा ही नहीं है पूरा वाइट वॉश्ड है उसको बोलते है, उसको बोलते हैं प्योर क्या बोलते हैं प्योर उसी तरीके से हमारे जो माइंड है ना ये माइंड में स्पेस है अगर हमने इस स्पेस को आलतू फालतू की चीजों से भर दिया तो फिर क्या हो जाएगा फिर आपका माइंड एमप्योर समझ में आया अगर हमने इस माइंड को आलतू फालतू चीजों से भर दिया तो क्या हो गया माइंड इम्प्योर अब क्वेश्चन आता है कि सर हमारा माइंड इम्प्योर होता कैसे है हम हमारा माइंड इम्प्योर कैसे हो गया तो माइंड इम्प्योर इसलिए होता है क्योंकि हमारे एक्शन प्योर नहीं है तो यहां पर लिखा है नो वन कैन बी प्योर इन माइंड इज नॉट प्योर इन एक्शन अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर माइंड प्योर इन एक्शन अब यह हमारे एक्शन कैसे प्योर होने चाहिए देखो सिंपल सा चीज है हमारे प्योर एक्शन का मतलब क्या होता है एक्शन का मतलब होता है कि से सपोज आई एम प्रिपेयरिंग टू बिकम ए डॉक्टर आई एम प्रिपेयरिंग टू बिकम एन इंजीनियर आफ्टर टू इन आई वॉन्ट टू क्लियर द एग्जामीबल फॉर दैट परपज है ना उसके अलावा अगर मेरे दिमाग में कुछ और चीजें रही या फिर उसने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया तो फिर मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा इसका सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है समझने का सिंपल सा एग्जाम्पल क्या है देखो मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ आपने कंप्यूटर आप सब लोगों के घर में मोबाइल तो होगा ही यस लैपटॉप तो होंगे ही या फिर कंप्यूटर होगा डेस्कटॉप होगा एटलीस्ट मोबाइल तो होगा करेक्ट करेक्ट यस yes. अभी देखो क्या होगा जब आप एक मोबाइल को खोलते हो टैबलेट के खोलते हो लैपटॉप को खोलते हो तो उसमें जब आपने सोचो खोला कि गूगल क्रोम खोल लिया अब गूगल क्रोम खोलने के बाद उसमें तो बहुत सारे टैब्स खुलते हैं है ना एक टैप खोला दूसरा टैब खोला तीसरा टैब खुला चौथा टैप खोला पांचवा टैप खोला छठा टैब खुला जब हमने पहला टैप खोला था तब तो सिस्टम मोबाइल का फास्ट चल रहा था या स्लो चल रहा था सिस्टम मोबाइल का फास्ट चल रहा था या स्लो चल रहा था फास्ट चल रहा था जैसे आपने टैब्स बढ़ा दिए चलते हैं उस टैब बढ़ा दिए टैब वन टैब टू टैब थ्री टैब फोर एक टैब में गाना चल रहा है एक टैब में वीडियो चल रहा है एक टैब में पढ़ाई की चीजें चल रही है एक टैब में आपका क्या बोलते हैं कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है तो फिर सिस्टम क्या हो जाता है स्लो हो जाता है करेक्ट उसी तरीके से हमारा माइंड भी वैसा ही है अगर हमारे माइंड में एक टाइम पे एक ही टैब नहीं खुला तो फिर उसमें हमारा आने का बहुत ज्यादा केसेस रहता है और ये एक्शन में अगर आप प्योरिटी यस सेम होते हैं ना तो अगर आपका एक्शन प्योर होगा एक्शन प्योर होने का मतलब क्या है अब आपके दिमाग में टैप कैसे मल्टीपल टैप का क्लोज कैसे कर सकते हो सी अभी हम देखो क्या है हम तो अभी तो देखो इक्कीसवीं शताब्दी के जनरेशन के लोग हैं तो हम तो क्या बोलते हैं पबजी भी खेलेंगे है ना खाना भी खाएंगे और उसी टाइम पे हम टीवी भी देखेंगे और पढ़ाई भी उसी टाइम पे हम करने वाले हैं तो अगर हम ऐसा करने वाले हैं तो जो आपके माइंड का जो स्पेस है वो कितने सारे टैब से खुला हुआ है आप देख सकते हो देख सकते हैं ना आप देख सकते हैं आपका माइंड जो है कितने सारे टैब से खुला हुआ है एक ये टैब एक्टिवेट हो जा रहा है 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 ये टैप ये जो टैब्स जितने सारे हैं इसी को हम बोलते हैं इम्प्योर एक्शन हम आज किसी भी टाइम पे खा लेते हैं मन चाह जब भी सोना चाहे सो जाते हैं कि इधर भी सोना चाहे सो जाते हैं और क्या बोलते हैं कुछ भी चाहे पढ़ना चाहे पढ़ लेते हैं कोई भी किताब पढ़ लो पढ़ लो कुछ भी पेन लो कर लो है ना कभी भी पानी पीना हो तो पानी पी लो बोतल चलो ये भी ग्रीन है ब्लू है कुछ भी मिरिंडा बोतल में पी लो इसको हम बोलते हैं इम्प्योर एक्शन समझ में आया आप लोगों को तो ये जो चीज है ना ये चीज अगर आपको नहीं पता होगी तो फिर आपको चाहे जितने भी अनगिनत वीडियोस दिखा दिए जाए कितने भी अकेडमी निकल जाए जिसमें बस आपको वीडियोस 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 दिखाए जा रहे हैं तो भी आपको देखना उधर से नीट और आई स्टूडेंट्स नहीं निकलेंगे क्योंकि हमारा फोकस ही नहीं है हमारा एक्शन ही प्योर नहीं है अब ये देखो एक्शन कैसे प्योर हो सकते हैं सिंपल सा है मैं आपको प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताता हूँ प्रैक्टिकल टेक्निक्स क्या है आप देखो अगर पढ़ना चाहते हो रात के बारह बजे तक तो उसको फिक्स करो यस yes, यस आप सोचो कि yes, मैं अभी बजे तक पढ़ूंगा अगर आपको लगाएगा कि माइंड बोलेगा कि नहीं अभी क्या है मेरा थोड़ा सा और पढ़ाई बचा मैं उसको चलो एक बजे तक पढ़ लेता हूँ तो पर आप गलत कर रहे हो आपको 12 बजे मतलब 12 बजे अभी आपने उसको 12 बजे तक क्यों फिक्स नहीं किया क्यों पढ़ाई आपने खत्म नहीं की वो आपकी गलती है है ना माइंड की वो गलती है अभी आप उसको नेक्स्ट डे में कैसे एडजस्ट करना है कम बातें करनी है कम चिट चैट करना है कम मोबाइल पे बात करना है है ना क्या क्या बोलते हैं कम पानी पीना है कम खाना खाना है वो आप उसमें कटिंग करो लेकिन क्या बोलते हैं बारह बजे मतलब सॉलिड बारह बजे नथिंग एल्स उसके आगे में एक मिनट भी आगे नहीं पढ़ाई करूंगा यस yes, अगर आप ऐसा करोगे आपने अगर अपने पढ़ाई का टाइम फिक्स किया अगर सपोज मैं कोई गेम खेल रहा हूं तो गेम खेलने का टाइम पूरा फिक्स करो इतना मतलब इतना ही उससे ज्यादा नहीं अगर मैं क्या बोलते हैं पढ़ना चाहता हूं तो डेली पढ़ाई मतलब डेली पढ़ाई इतना टाइम मैंने अलोकेट किया मतलब इतना टाइम अलोकेट किया आपके पढ़ने की जगह आपके पढ़ने की जगह पूरी फिक्स हो जानी चाहिए, आपका खाना खाने की जगह फिक्स हो जाने चाहिए, किस थाली में खाते हो, कौन सी ग्लास में पानी पीते हो कौन सा बोतल इस्तेमाल करते हो कौन से पेपर इस्तेमाल करते हो कौन सा पेन इस्तेमाल करते हो कितने बजे पढ़ाई करना चालू करते हो कौन सी घड़ी इस्तेमाल करते हो एवरी थिंग शुड बी फिक्सड अगर आपका ये फिक्सड नहीं होगा चीजें तब आपको क्या बोलते हैं आप इम्प्योर हो जाओगे अपने माइंड में और अगर एक बार आपका इम्प्योर माइंड हो गया वो रूम अगर आपने क्या बोलते हैं इधर उधर yes. अभी, है, तो अभी यही चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया क्योंकि स्टूडेंट्स आकर वही चीज बोलते हैं कि सर चीजें याद नहीं होती देखो याद तो तभी होंगी ना बेटा कि अगर आप ये चीजों को फॉलो करोगे और ये चीज बताने वाला कोई है ही नहीं ये चीजें बताने वाले कौन है कोई नहीं सब लोग तो यही बोलेंगे कि सर ये है ये है ये है लेकिन ये कौन बताएगा प्रॉपर कोई नहीं ठीक है तो एट दी एंड हमारा जो फाइनल कंक्लूजन निकलता है हमारे इस मोटिवेशन टॉक का कि जो अप्रोच ट्वेंटी सेंचुरी साइंस ने निकाला और एंशंट वैदिक साइंस ने निकाला वो क्या है रेगुलेटेड लाइफ समझ में आ गया ना रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल ये रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल की स्टोरी आप जानते नहीं सिंपल सा चीज है, सा चीज है है सिंपल सा कि आप लोगों ने ये देखा होगा फिल्म कौन सा फिल्म देखा है चांदनी चौक टू चाइना सबने देखी चांदनी चौक टू चाइना मुझे अभी भी याद है कि मैंने भी देखी थी चांदनी चौक टू चाइना काफी सालों पहले देखा है वेरी गुड तो उसमें आप लोगों को याद होगा होजो को मारने के लिए जो सिद्धू था होजो को मारने के लिए जो सिद्धू था वो सिद्धू ने कौन सी टेक्निक से मारा था जरा बताओ मुझे हाँ, बताओ कौन सी टेक्निक से उसने होजो को मारा था होजो के पास बहुत सारी चीजें पता थी उसको सारे मूव्स पता थे लेकिन सिद्धू ने किस टेक्निक किस मूव से मारा था आलू मूव से मारा था वेरी गुड सिद्धू ने वही टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसको उसने पिछले पंद्रह बीस साल सेम फिक्स्ड करके प्रैक्टिस किया समझ में आया ना दैट इज द इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी चीज को फिक्स हमेशा प्रैक्टिस करने का इसलिए इसलिए अगर आपको एग्जाम्पल दिमाग में चमका तो जोरदार तालियां बजा दो जोरदार तालियां बजा दो और जिसको नहीं चमका वो क्या करेंगे डबल बार ताली बजाओ ठीक है लगता है स्टूडेंट्स के दिमाग में चमका नहीं है चमका कि नहीं डेली प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट होता है फिक्स डेली प्रैक्टिस नहीं फिक्स्ड प्रैक्टिस हमारा कॉन्सेप्ट डेली प्रैक्टिस का नहीं है हमारा कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड प्रैक्टिस करने का तो फिक्स्ड प्रैक्टिस लगता है भावेश को समझ में नहीं आया इसने इतनी ज्यादा तालियां मार दी मुझे लगता है अच्छा सर पर हमारी लाइफ में आलू मूव कैसे इंप्लीमेंट करें वही तो मैं बता रहा हूं देखो आलू मूव अब यहां पर क्या है ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया ना रेगुलेटेड रेगुलेटेड का मतलब क्या होता है पंखा होता है रेगुलेटर होता है हमारे हाथ में मतलब एक पे चलाओ दो पे चलाओ तीन पे चलाओ चार पे चलाओ पांच पे चलाओ हम रेगुलेट कर पाते हैं तो वैसे ही अगर हम अपने लाइफ को रेगुलेट करना चाहते हैं तो हम तो कोई साधु बच्चे तो है नहीं तो सुबह उठ जाएंगे और फिर क्या है योगासन करने लगेंगे उसके बाद फिर पढ़ाई चालू करेंगे भगवान को प्रणाम करके वैसे बच्चे तो हम है नहीं तो हमको क्या करना है फर्स्ट स्टेप ऑफ रेगुलेशन प्रैक्टिस करना है नाउ व्हाट इज दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ रेगुलेशन फर्स्ट स्टेप ऑफ रेगुलेशन जो मैंने अभी आपको बताया दैट इज हर चीज आपके जीवन में फिक्स होनी चाहिए एटलीस्ट फॉर टू इयर्स यानी कि आपके पढ़ने की जगह फिक्स हो जानी चाहिए आपको बिल्कुल भी सो के नहीं पढ़ना है कई सारे दोस्त मेरे यहाँ पर वीडियो सो के देख रहे होंगे होता है हम भी देखते थे भाई। लेकिन हो जाती, नहीं तो वैसे ही आपको अगर लाइफ रेगुलेट करना है तो फिक्स कर दो अपनी सारी चीजें कोई एक कोना पकड़ लो घर का बैठ जाओ कि आप मेरी यही जगह है मैं यहाँ पर पढ़ूंगा मतलब पढ़ूंगा उसके बाद आपको कॉन्टिन्यूस आपको वहां पर पानी पीने की बोतल फिक्स होनी चाहिए आप किस पेन से लिखते हैं वो भी फिक्स होना चाहिए कौन सी रफ कॉपी किस टाइप की रफ कॉपी इस्तेमाल करते हैं वो फिक्स होना चाहिए उसके बाद आप क्या बोलते हैं कितने टाइम पे पढ़ने के लिए बैठते हैं वो फिक्स होना चाहिए कितने टाइम पे पढ़ाई स्टॉप करते हैं वो फिक्स होना चाहिए सुसु करने के लिए भी जाना है तो भी वो टाइम फिक्स होना चाहिए इतना नहीं कि बस बीच में आया तो चले गए वैसा नहीं वो टाइम भी फिक्स होना चाहिए आपने आपने आपको ज्यादा सुसु आ रही है तो आपने पानी पिया क्यों वो आपको माइंड में कॉन्शियसली चलता रहना चाहिए जितना ज्यादा आप कॉन्टेपलेटिव हो जाएंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग में इंटेलिजेंस आपका शार्प होता चला जाएगा जितना ज्यादा आपका अटेंशन बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका फोकस बढ़ता है जितना ज्यादा फोकस बढ़ता है उतना ज्यादा मेमोरी आपका लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है जल्दी यस तो सर कुछ करें सर ऐसे टाइम मिसप्लेस हो गया तो यस yes. तो सबसे पहले आपको ये चीज मैं आपको बता रहा हूं रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल अगर आपने नहीं ली तो फिर बाद में मुझे मत बोलना कि सर अभी क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीजें याद नहीं हो रही अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं रही अब ये याद नहीं हो रहा आगे जाकर आप सपोज एनडीए देना चाहते हैं आगे जाकर सपोज आप अगर आप आई बनना चाहते हैं तो उस टाइम पे तो मेमोरी का फंडा आने ही वाला है तो मेमोरी फंडा कैसे लाओगे इसी तरीके से ही लाने वाले हो ठीक है अगर बैकलॉग हुआ तो नहीं होगा टेंशन मत लो हम यहां पर प्रे करेंगे आपको बैकलॉग नहीं होगा ओके और आप भी प्रे करना ओके ठीक है तो चलो अभी देखो समझ में आ गया ये चीज समझ में आ गई कि नहीं रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल इसको याद रखना और आज से ही मैं कल जब क्लास में आऊंगा ना तो क्लास में पूछूंगा कि कितने स्टूडेंट्स ने अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस नए लेकर आए

और कल मुझे दुई वर्षीय योजना पता ना मैं कल उसको लोकसभा में पास कराऊंगा ठीक है तो कल हम बिल पास करेंगे यस वेरी गुड तो सब लोग अपने करके आने का ओके कृष्णा हमेशा बोलते हैं डू योर बेस्ट है ना नॉट या फिर बोलते हैं गिव योर बेस्ट नॉट गिव दी बेस्ट तो अगर सपोज किसी स्टूडेंट की कैपेबिलिटी है इतनी स्कुर जितनी कैपेबिलिटी है तो ही मस्ट गिव स्कूरिल वाली कैपेबिलिटी

ओके okay. तो ये हो गया देन यस एट दी लास्ट अभी चलो हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला बुक आता है आपका एनसीआर टी एनसीआर टी इज दी जी ओ सी है ना एन टी इज दी जी ओ सी दिस इज नोन एज द गॉड ऑफ केमिस्ट्री और यही आपका टेक्स्ट बुक रहेगा टेक्स्ट बुक आपको फॉलो करना है क्लास ट्वेल्व के लिए सॉरी क्लास इलेवेंथ के लिए पार्ट टू दिस इज द पार्ट टू है पार्ट टू यहां पर लिखा है और इस एनसीईआरटी को अच्छे से पानी कर लेना है और पानी कैसे करना है अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया क्या था वो टेक्निक बताओ यस बताओ बताओ क्या था टेक्निक क्या टेक्निक था इस बुक को अगर पानी करना है तो क्या टेक्निक है रिवाइज रिवाइज नहीं रिवाइज नहीं रिवाइज नहीं आवर बेस्ट भी नहीं रेगुलेटेड लाइफस्टाइल यस आपका अगर कोई पूछेगा कि सर मैं क्या बोलते हैं आप कैसे याद कर लेते हो क्या आपकी मेमोरी शार्प है नहीं क्योंकि आपका अटेंशन शार्प है और अटेंशन शार्प कैसे आता है जब मैं माइंड में प्योर होता हूं माइंड में प्योरिटी कैसे आएगी जब आप लाइफ रेगुलेटेड रहेगा यस रेगुलेटेड लाइफ टाइम मैंने अगर आपसे पूछा तो क्यों याद नहीं हो रहा क्यों याद नहीं हो रहा आपको तो आप क्या बोलोगे सर मेरी लाइफ रेगुलेटेड नहीं है ओके वेरी गुड तो यहां पर देख लेना आप केमिस्ट्री का अच्छा इसी केमिस्ट्री से कुछ अच्छे अच्छे बुक्स निकाले गए हैं पब्लिकेशन का बहुत अच्छा रहता है वो बुक्स निकालते इसमें से काफी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो एक फिंगर टिप्स आता है दिस इज द फिंगर टिप्स केमिस्ट्री देन उसके बाद आप देखोगे एक और एक बुक है दैट इज द एनसीआर एक्सट्रैक्ट सो ये एनसीआर टी एक्सट्रैक्ट दिशा पब्लिकेशन का है बहुत ही अच्छा किताब है इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीआर टी से लाइन बाय लाइन करके पूरा पूछे जाते हैं जैसे एक मच्छर होता है ना मच्छर आपके शरीर के ऊपर बैठ जाता तो है पूरा खून चूस लेता है और उसी तरीके से इसने क्या है पूरा इसका कंटेंट चूस लिया है और चूस लेने के बाद इसके अंदर आ गया है तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं ये बुक भी ले सकते हैं और इसके बाद फिर आपके पास रहेगा यहाँ पर देखो प्रॉब्लम तो केमिस्ट्री एग्जाम्पलर प्रॉब्लम तो सी निकालते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं काफी माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन होते हैं और लास्ट में डीपीपीस दीपक सर डी ऑन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ये मैं आपको हर क्लास के एंड में या फिर कुछ टॉपिक के एंड्स के बाद डीपीपी दे दिया करूंगा और वो डीपीपी आपको लगानी है बस अगर आप इतना कर लेंगे तो फिर आपकी लाइफ क्या हो जाएगी बल्ले जी बल्ले है ना क्या हो जाएगी लाइफ बल्ले जी बल्ले तो अगर आप ये सब कर लेंगे और हाँ फिर अभी आपका क्वेश्चन आएगा सर एम एस चौहान का क्या हुआ जी आरबी पब्लिकेशन का क्या हुआ फिर देखो पहले क्या बोलते हैं हमें अपना बेस बनाना है बेस बनाने के बाद हम ऊपर जा सकते हैं आई एम एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू प्रोवाइडेड दैट यू लिसन टू मी फर्स्ट एंड डू दैट ओके ठीक है सर हमें बुक्स लेनी है क्या देखो अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो बुक से पढ़ सकते हैं नहीं तो टैब पे मोबाइल पे हम यहाँ पर भेजेंगे आपको ये भेजने का इसको प्रयास करेंगे ठीक है तो फिर धन्यवाद आप लोगों का अब तक बने रहने के लिए और कल हम चालू करेंगे हमारा पहला टॉपिक दैट इज नोन एज द नोम क्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है तो ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा यस वेरी गुड तो ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा नोम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आशा करता हूं जितने जितना से आप आज सुने हैं उतना कंटिन्यू करेंगे और कल मैं आपको पूछूंगा क्या पता है दुई वर्षीय योजना ठीक है दुई वर्षीय योजना पूछने वाला हूं तो आप अपना बिल अपना सबमिट कीजिएगा मैं वो बिल पास करूंगा आपका बिल देख के मतलब क्या बताना है क्या बताना है मतलब आपको बताना है कि आपने अपने जीवन में क्या क्या फिक्स अप चालू करोगे आपने क्या अपना पढ़ने का जगह फिक्स किया आपने क्या बोलते हैं कॉपी किताबें फिक्स की खाना खाने का टाइम फिक्स किया पढ़ाई कब खत्म करूंगा वो फिक्स किया टॉयलेट कब जाऊंगा वो फिक्स किया तो ये सब का सब आपको यहाँ पर करना पड़ेगा और हाँ मैं एक्चुअली वैसा टीचर हूँ जो बहुत करवा के लेता हूँ तो आप लोगों यहाँ पर जो इधर तो बोलोगे सर तो पूरा लिख दे रहे हैं हमको स्लाइड्स मिल जाएगा तो वो तो मिल जाएगा लेकिन साथ ही साथ मैं आपको लिखवाऊंगा भी तो लिखवाने के लिए आप नोट्स लिख लेना फिर आप बोलोगे सर आप कैसे चेक करेंगे तो देखो मैं क्या बोलते हैं एनआईटी राउर किला से पास आउट हूँ क्या है जब कभी भी उसको नोट्स में लिखोगे ना पेन से अपने लिखोगे तो पेन से लिखने के बाद उसको फोटो उठाने का उसको स्कैन करने का और फिर व्हाट्सएप पे नहीं व्हाट्सएप क्या बोलते हैं कलयुग का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर है तो उसको कहां पर भेजना मेरे जीमेल पे भेजना तो मैं आपको अपना जीमेल आईडी दे दूंगा उस जीमेल पे आप सब लोग अपने नोट्स का फोटो खींच के मेरे को भेजेगा मैं उसको थ्री डेजिस करूंगा मतलब हर दिन में एक बार उसको सारे स्टूडेंट्स के कॉपी चेक करूंगा और उसको फिर से उसको दूंगा जब कभी भी मैं क्वेश्चन दूंगा क्वेश्चन को भी मैं चेक करूंगा है ना उसके बाद आपने क्या यहाँ पर गलती किया है वो भी मैं उसमें मार्क करूंगा एवरीथिंग एवरीथिंग यहाँ पर सिस्टमेटिक रहेगा एंड तभी तो बनेगी भाई लाइफ बल्ले बल्ले है ना ओके okay. सर आपका जी बता दूंगा मैं बता दूंगा हर चीज़ एक क्लास में नहीं बताई जाती ठीक है ओके थैंक यू हरे कृष्णा